तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गोइंग टू मेकिंग अ न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब, सो प्लीज सब्सक्राइब। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो आज का ब्लॉग है मेरा खाटू श्याम जाने का, जहाँ पे अभी हम मतलब जयपुर की ट्रेन में हैं। तो अभी हम ट्रेन में ही हैं, अभी रात हो रही है, कम से कम 1:30-2 बज रही है। आपको तो पता ही है ट्रेन में नींद आती नहीं है। तो हम स्टेशन पे थे अभी, वहाँ से ट्रेन वापस चल रही है। तो ये हमको सुबह 8 बजे तक पहुँचा देगी जयपुर। जयपुर से हम रिंगस की बस पकड़ेंगे और वहाँ से जाएंगे खाटू श्याम। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। तो देखते हैं, ये सुबह का सीन है, मतलब अभी सुबह हो चुकी है और यहाँ का सीन देख लो कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना मेरे ब्लॉग में। फिर से गुड मॉर्निंग। अब हम ट्रेन से उतर गए हैं और अब रिंगस के लिए बस पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे। ये मेट्रो स्टेशन है, जयपुर में मेट्रो भी चलती है, तो हम आए थे वो देखने। तो ये मेट्रो स्टेशन है, इंदौर में भी मेट्रो आएगी तो ऐसे स्टेशन बनेगा। यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। ये मेट्रो स्टेशन है, ये लिफ्ट है। हम यहाँ पर सिर्फ टाइम पास के लिए घूमने आ गए थे, यहाँ पे कोई काम नहीं था हमारा। बाकी रिक्शा से तब हम स्टेशन आ गए थे, ज़्यादा नहीं 10-10 रुपए लिए थे पर पर्सन के। और फिर अब वहाँ से रिंगस के लिए निकलेंगे। बस के अंदर हूँ अभी मैं, देखो बस भी पकड़ ली है। तो बस ने 120-120 रुपए लिया था। सो ये अब हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम, मतलब तोरण द्वार। वहाँ से रिंगस की बस पकड़ना पड़ती है तोरण द्वार की। तो ये देख लो, अभी यहाँ नहीं है, अभी यहाँ पे देख रहे हैं रूम कहीं मिल जाता है तो वहाँ से रूम लेंगे। फिर वहाँ से सब नहा धोकर चेंज वेंज करेंगे, फिर वहाँ से हम निकलेंगे दर्शन के लिए। तो अभी तो बहुत चलना पड़ रहा है, लेकिन हम जिस टाइम पे गए थे ना वहाँ, उस टाइम अभी गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब मौसम बिल्कुल बदला हुआ था, बारिश का हो रहा था लेकिन बारिश नहीं हुई थी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी थी और भीड़ तो बहुत हद से ज़्यादा थी। तो देख लो ये वहाँ का नज़ारा है, यहाँ पे तोरण द्वार है। वहाँ से हम वहाँ पे नहीं गए थे, हम डायरेक्ट मंदिर गए थे। तो ये सुबह का व्यू है, कम से कम मतलब बस में हम बैठ गए थे 9, 9:30, 10 बजे के करीब। तो उसने हमको 12:30-1 बजे तक उतार दिया था, बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया था। तो अब नहा धो के हम बिल्कुल रेडी हैं। तो देख लो बिल्कुल रेडी हूँ मैं। अब हम यहाँ से निशान लेके निकलेंगे। निशान मतलब होता है ये झंडा, मुझे भी नहीं पता था निशान होता क्या है, लेकिन मम्मी ने बताया था। तो हमने यहाँ से थोड़ा बहुत प्रसाद व्रसाद खरीदा और निशान के लिए झंडा खरीदा। फिर यहाँ से पैदल लेके जाते हैं झंडा। ये मेरी मामी है, यहाँ पे सब मेरे मामा खड़े हैं पीछे बैग लेके, और दीदी है। हम सब ने बहुत इंजॉयमेंट करा था। ये जीजू हैं और दो बंदे मुझे पता नहीं कहाँ से मिल गए थे यहाँ पे, मतलब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो पीछे पड़ गए थे कि मुझे वीडियो में ले लो, वीडियो में ले लो, अभी तो आप इनसे मिलो। ये सब मेरी फैमिली है, जो भी हम जितने भी जने गए थे उनके साथ की।
ये जीजू हैं जो फ़ोन पकड़े हैं, ये जीजू की मम्मी हैं, ये दादी हैं, ये मामा हैं साइड में, और ये मामी है। मतलब हम टोटल 7 से 8 जने गए थे, और मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। मम्मी आगे खड़ी है झंडा लेके मम्मी वो ज़्यादा ही स्पीड में चल रही थी, मेरे को वीडियो शूट करना था तो मैं धीरे 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 फ़ोन पकड़ के घूम रहा था। तो देखो ये दो जो दिख रहे हैं ना, ये जो बॉडी दिखा रहा है एक, और ये पता नहीं कहाँ से मिल गए मेरे को। तो बोल रहे थे ब्लॉगर हो यूट्यूबर हो प्लीज़ हमको ब्लॉग में ले लो, इस टाइप का बोल रहे थे। तो फिर इनको मैंने ले लिया था, मतलब मैं अपनी वो सेल्फी स्टिक और ये सब साथ में लेके गया था ना, तो उनको लगा कि बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। तो वीडियो शूट कर रहा था तो उन्होंने देख लिया था मुझे, तो फिर वो आ गए थे वीडियो में साथ में। सो अब हम धीरे धीरे यहाँ से चलते रहेंगे। ऐसा यहाँ से हमको मतलब तोरण द्वार से थोड़ा दूर चलना पड़ा था, और यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट रास्ते भी है, लेकिन हम एक के पीछे एक चलते गए थे ना, तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते बना के घुसे जा रहे थे, थोड़ा दूर पड़ा हमको। तो यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। ऐसे दर्शन तो अच्छे हुए, तो देख लो हम लोग चल रहे हैं निशान लेकर। ये मम्मी आगे आगे चले जा रही थी झंडा ले लेके, और मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं मोबाइल पकड़ के पागल मतलब क्या बोलूँ घूम रहा था। एक बहुत अजीब सी बात होती है कि कहीं भी वीडियो बनाने चले जाओ और ऐसे हर जगह का वीडियो शूट करते रहो, पकड़ के घूमते रहो, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। फ़ोटो खींचने की बात अलग रहती है, लेकिन ये जिस तरह से वीडियो शूट करना रहता है ना, वो बात बहुत अलग हो जाती है। तो भूख तो बहुत तेज लग रही थी, लेकिन दर्शन करना थे इसलिए कुछ खाया नहीं था यहाँ पे। और अधिकतर घेवर हुआ खाने को मिलता है, घेवर है, लस्सी है, मतलब जिस तरह से हमारे इंदौर में हर जगह खाने पीने की दुकान होती है, यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था खाने को। लोगों से पूछते थे तो वो बोलते थे एक एक दो दो किलोमीटर दूर है खाने पीने की दुकान, मतलब भूखा मरने वाली हालत थी यहाँ पे। तो मतलब इंदौर सबसे बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ, कहीं भी घूम लो। मतलब मैं अभी जितनी भी जगह ट्रेवल करा हूँ उनसे सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट जगह मुझे इंदौर ही लगी, क्योंकि इंदौर में सबसे ज़्यादा खाने पीने की दुकानें, हर जगह जगह पे हर गली गली में खाने पीने को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे तो दूर दूर तक आपको कोई खाने की दुकान नहीं मिलेगी, दूर दूर तक भूखे मरते रहो, प्यासे मरते रहो, बस पूछो ही मत किस तरह से भूखे मरे थे हम, मतलब सही बता रहा हूँ। तो इंदौर सबसे बेस्ट है, इसलिए अपना इंदौर नंबर 1 पे ही चल रहा है। देख रहे हो ना, आपको अगर कहीं भी दुकान दिख रही है कुछ भी खाने पीने की, तो सोचो मतलब क्या हालत थी उस टाइम, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, सिर्फ रेलवे स्टेशन के पास ही भोजनालय थे, और फिर तो इनका तो कोई अता पता ही नहीं था कि भोजनालय आपको कहीं समोसे कचौरी पोहा दिख जाए आपको कहीं भी। अपने इंदौर में तो जहाँ पे निकलो वहीं पे कुछ दुकान भी मिल जाती है और अच्छा मिलता है, लेकिन वहाँ पे तो खाने की इतनी महंगाई भी थी और साथ में मतलब टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था इस टाइप का था। मतलब सही से बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, इंदौर सबसे बेस्ट है। कहीं भी जाओ सिर्फ घूमने फिरने के हिसाब से सब बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन रहने के हिसाब से बताऊँ तो नहीं रह सकते। तो देखो बातों में भूल गया, अब हमने मंदिर के अंदर एंट्री कर दी है, तो बहुत लंबी लाइनें लगी थी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। देख लो आप इस तरह से जाना पड़ता है अंदर, और यहाँ पर पानी के पाउच फ्री में बट रहे थे, मतलब जो भी थे वो बांट रहे थे पीने के लिए, क्योंकि उनको पता तो था पानी तो कहीं मिलना नहीं, तो उन्होंने बांट ही दिए हैं। तो मंदिर के अंदर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी, और यहाँ पे अधिकतर प्रसाद ही मिलेगा और कुछ नहीं, गुलाब के फूल मिलेंगे। तो इतनी लंबी लाइन थी, फिर सब वहाँ पे धीरे 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 चलते गए। पुलिस वाले रास्ते में खड़े रहते हैं, आपको ठीक से दर्शन करने देंगे नहीं, मतलब बस देखा और हटो इस टाइप का काम था यहाँ पे। ये भगवान अभी कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में आ गए हैं ना, इसलिए तो हम भी लाइन में लगे हैं।
मतलब इंसान इतनी दूर से आ रहा है तो उसको ठीक से दर्शन तो करने को मिलना चाहिए ना, कि वो 2 मिनट खड़े होकर भगवान को देख ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भले देखो भी नहीं उसके पहले पुलिस वाले हटा देंगे आपको। जाओ, कोई कितनी दूर से आ रहा है सिर्फ दर्शन करने के लिए आ रहा है, लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे लाइन में आए, भंडारे में लगे हैं, ले लिया और जाओ, भगवान देखने भी नहीं देते इस टाइप का रहता है। देख लेना आप, मुझे भी सिर्फ मतलब मैंने देखा ही था और हटा दिया था, यही बात है। हाँ, बाकी जगह बिल्कुल सुपर दर्शन हुए थे, वैष्णो देवी गए थे हम, तब भी बिल्कुल मतलब वहाँ पे जो पुलिस थी थोड़ी देर देखने भी देती थी, दर्शन करने देती थी, टीका भी लगाते थे, यहाँ पे तो डायरेक्ट हटा ही देते हैं आपको। ऐसा अधिकतर मैंने रात को ही ट्रैवलिंग करा है ना, तो वहाँ पे जितने भी दर्शन हुए हैं सबसे बेस्ट हुए हैं, क्योंकि रात को भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहती है और आपको बहुत अच्छे से फेस टू फेस दर्शन करने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग का दर्शन था, तो शायद पुलिस वालों ने इसीलिए ठीक से दर्शन नहीं करने दिया। देख लो, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ में ऐसे भी कहाँ दर्शन करने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे से गेट के अंदर जाना है और डायरेक्टली आपको खाटू श्याम जी मिल जाएंगे। और देख लेना किस तरह से मेरे को दर्शन हुए थे, वो वीडियो में दिखेगा। तो मेरे हाथ में सेल्फी स्टिक थी, तो वो ऊपर ही चल रही थी, मतलब ऊपर सबसे ऊपर कर दिया था मैंने, तो इस तरह से शूट हो गया था। तो ना मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, मतलब मेरा मोबाइल का कैमरा भी जिस तरह से ऑन था और मेरी आंखें भी ऑन ही थी, उसी टाइप के दर्शन हुए थे। तो देख लेना आप किस तरह से इतनी भीड़ में वो पुलिस वालों ने मेरे को हटाया था। ये जो अंदर वाइट वाइट दिख रहा है ना, वहीं पर मंदिर है। संडे का दिन था तो हवा, बंगला और बाकी चीज़ें बिल्कुल बंद थी, वहाँ का मार्केट संडे को बंद रहता है, तो हम कहीं भी घूम नहीं पाए, सबसे बुरी बात। तो देखो, दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अब आपके सामने आ रहे हैं खाटू जी, मीन्स खाटू श्याम जी। इस टाइप के दर्शन मुझे हुए थे, देख लो, इतना ही देखा था मैंने और ये पुलिस वालों ने भगा दिया था, मतलब हटा दिया था, उनने मोबाइल ही नीचे करवा दिया था और बाहर कर दिया था। तो अब बाहर आ गए हैं हम, और बाहर यहाँ पे गणेश जी हैं। तो मेरे जो गुलाब के फूल थे, मैं खुद का चढ़ाने गया था, तो वो पंडित मतलब जो भी पुलिस वाले थे, उनने मेरे को दूसरों के गुच्छे उठा के पकड़ा दिया हाथ में, मतलब मेरा तो एक था और वहाँ पे 4-5 जितने भी थे उनने वो सब उठा के मेरे को हाथ में दे दिए। तो अभी ये दुकानें आ गई हैं यहाँ पे, मार्केट है। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इंदौर में संडे का मार्केट हर दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे संडे को सारा मार्केट ही बंद रहता है, जहाँ पे घूमने फिरने की जगहें हैं वो अब तक बंद रहती हैं, वेरी बैड। तो अब ना यहाँ पे वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, खाटू श्याम जी का वो कुंड, ठीक है। अब हम कुंड के अंदर जाएंगे, जहाँ पे हाथ पैर धोएंगे। तो देख लो, यहाँ पे कुंड है, श्याम कुंड बोलते हैं जिसको, ये श्याम कुंड है। यहाँ पे सब मतलब पानी में से निकल के जाएंगे। सो एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे जय श्री श्याम का कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ओके। और यहाँ पे घूमने की भी बहुत सारी जगह है जयपुर में, लेकिन बात वो ही है, संडे को सब बंद रहता है, इसलिए कहीं का ब्लॉग नहीं बना पाया मैं। हाँ, नेक्स्ट टाइम जयपुर जाऊँगा तो हर जगह का वीडियो शूट करके लाऊँगा, और हाँ संडे को नहीं जाऊँगा। तो देख लो, ये सब पानी है, मतलब कुंड है। इस तरह का ब्रिज बना रखा था वहाँ पे कि पानी छू भी सकता है कोई बैठ के ऐसा, और कोई डूबे भी नहीं। मेरे हाथ में खुशी थी और एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा था मैंने। और गर्मी की बात तो अलग ही है, लेकिन ज़्यादा गर्मी नहीं लगी थी, बात वो है। सो ये हो गए हमारे दर्शन, श्याम कुंड से हम आ गए बाहर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, बैठेंगे बाहर जाके। एक और मंदिर है खाटू श्याम जी का, ये देखो, यहाँ से थोड़ा इधर जाएंगे, यहाँ पे मंदिर है,
ये एंट्री हुई हमारी यहाँ पे, ये रहे खाटू श्याम जी और हम वापस बस में आ गए हैं। तो अब हमको रिंगा से वापस जयपुर आना पड़ेगा, फिर जयपुर से ट्रेन फिर से पकड़ना पड़ेगी और हमको डायरेक्ट इंदौर आना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर भी हमारी रात की ट्रेन थी 10 बजे की ट्रेन थी हमारी, तो उसने सुबह हमें 8 बजे उतार दिया था जयपुर, ठीक है। और वहाँ से जाने में हमको जयपुर से रिंगस जाने में हमको 2 से 3 घंटे लगे थे, है ना। फिर आते टाइम भी उतना ही हुआ था। आपको डायरेक्ट रिंगस की ट्रेन नहीं मिलती जयपुर इंदौर से, मतलब जयपुर स्टेशन ही है वहाँ पर तक जाना पड़ता है, फिर वहाँ से बस लेके आपको रिंगस जाना पड़ेगा, ठीक है। और रिंगस बोलना डायरेक्ट तोरण द्वार की बात करना नहीं, तो आपको रिंगस बहुत पीछे है और तोरण द्वार आगे है, फिर आपको वापस रिक्शा करना पड़ेगा। तो हम वापस ट्रेन में आ गए हैं इंदौर की। सो मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सो टाटा बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे, बाय।